क्रोटॉन का पौधा एक आकर्षक हाउस प्लांट है। यह विभिन्न रंगों और पत्तियों के आकार में पाया जाता है। अगर आप घर की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्लांट को जरूर लगाएं। इस वीडियो में क्रोटॉन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि क्रोटॉन को कटिंग से इजीली कैसे प्रोपगेट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल लॉट्स इन पॉट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। क्रोटॉन का बॉटनिकल नेम कोडियम वेरिगेटम है। बेसिकली क्रोटॉन प्लांट इज नेटिव टू साउथ एशिया, इसीलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज द बेस्ट फॉर क्रोटॉन प्लांट। साउथ ऑफ इंडिया जहाँ पर मोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यह प्लांट इजीली ग्रो कर जाता है। अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की तो जुलाई से विंटर आने तक यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन विंटर में इस प्लांट की पत्तियाँ थोड़ी सी गिरने लगती हैं क्योंकि ज़्यादा ठंड इसे पसंद नहीं है। इस प्लांट को हमें सेमी शेडेड एरिया में रखना है। मॉर्निंग से 5 to 6 hours की सनलाइट इसके लिए इनफ है। क्रोटॉन के प्रोपगेशन के लिए मानसून सबसे उपयुक्त समय है। इस समय यह कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे किसी विशेष देखभाल की जरूरत नहीं होती है। क्रोटॉन को कटिंग से कैसे प्रोपगेट करते हैं, आइए चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हमने क्रोटॉन प्लांट की कुछ ब्रांचेस को कट कर लिया है। ब्रांचेस को सेलेक्ट करते समय हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ग्रीन और सॉफ्ट ना हो और एकदम हार्ड भी ना हो, अदरवाइज इनको ग्रो करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। हमें यहाँ पर 6 से 7 inches की ब्रांच चाहिए, तो मैं ये पूरी की पूरी ब्रांच को ही यूज़ कर लूँगी। मैं इनकी इन बड़ी पत्तियों को हटा लूँगी क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से कुछ पत्तियाँ छोड़ देंगे, बाकी ये सारी पत्तियों को हटा लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर खाली बोतल को कट करके यूज़ किया है। पीछे एक होल भी दिया है जिससे कि एक्सेस वाटर आसानी से रिलीज हो सके। इस तरह की बोतलों को अक्सर घरों में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, लेकिन हम इनको पॉट बनाकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 part कोकोपिट लिया है और 1 part वर्मी कंपोस्ट लिया है। कोकोपिट में अगर हम कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रो करने के। मैं एक वीडियो बनाऊंगी ये दिखाने के लिए कि मेरी कितनी कटिंग्स जो मैंने कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट के पॉटिंग मिक्स में लगाई थी अच्छे से ग्रो कर गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनको पॉट में फिल कर लूँगी। कोकोपिट बहुत हल्का होता है वजन में, तो इसको अच्छे से दबाते हुए हमें फिल करना है। तो इस तरीके से हमने अपना पॉट यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसको हम पॉट को साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमें डिटॉल लेनी है और एक कॉटन लेनी है। डिटॉल की कुछ बूंदें मैं यहाँ पर कॉटन में डालूंगी और जो भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट जिससे कि कट करना है ब्रांच को, उसे साफ कर लेंगे, अदरवाइज ब्रांचेस के इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अच्छे से हमने साफ कर लिया है।
हमारी दोनों कटिंग पॉट में लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। हमें ये पॉट शेड में रखना है। आप चाहें तो मॉर्निंग की एक दो घंटे की धूप आप इसे दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये पूरे दिन शेड में ही रखा रहे। क्रोटॉन की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, इसे किसी विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें रूट्स को डेवलप होने में कम से कम एक महीना लग सकता है। जब नीचे की साइड में रूट्स डेवलप होंगी तो ऊपर नई पत्तियां आपको आती दिखाई देने लगेंगी। हम अगर इनकी कटिंग्स को यूं ही सॉइल में लगा दें, वो भी ग्रो हो जाती हैं। तो हम बहुत आसानी से अपने क्रोटॉन के मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है।